ये क्या भाई, बुरखा क्यों उठा रही हो? मम्मी बस मैं जा रही हूँ, अभी निकल रही हूँ। से जा रही हो? खाना खाओ। नहीं मम्मी पता देर हो जाएगी, मैं निकलती हूँ। कोई देर नहीं हो रही, थोड़ा सा खा लो, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी अपनी बेटी को। बैठो इधर, अच्छा तो सानिया को भी बुला लें। आ जाती है, वो फुलके बना रही है। बस यही बने थे ना, मैं ले आई कि तुम्हें जल्दी है। क्या हुआ फिजा? फिजा 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 बेटा, क्या फिजा तबीयत क्या हुआ? ज्यादा तबीयत खराब है, चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बस मैं घर जाऊंगी, नहीं मुझे घर जाना। ये वहीं से घर चली जाना ना, चलते हैं डॉक्टर के पास। बुरखा पहना, मैं अपना लेके आती हूँ। चलो बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। लेकिन इनका पहले भी मिसकैरेज हो चुका है, तो इस बार बहुत एहतियात करनी होगी। इन्हें प्रॉपर डाइट लेनी होगी। मैं कुछ आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन रेकमेंड कर रही हूँ, वो इनको प्रॉपर लेनी होगी। जरूर, ये सारी मेडिसिन आपको हमारी ही फार्मेसी से मिल जाएंगी, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने खड़े क्यों हो गए? बैठो ना। चुप करके ना यहाँ से दफा हो जाओ। इस जगह पे मेरी रेपुटेशन है, किसी किस्म की बकवास नहीं करना यहाँ पे। रेपुटेशन? उस दिन तो तुमने मुझे धमकी दी थी कि तुम सबको सब कुछ बता दोगे। बताओ ना, या फिर मैं बता दूं? मुंह बंद रखो समझी तुम। तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वो हालत करूंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। तुम अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो? अमेजिंग। धमकी नहीं दे रहा तुम्हें, मैं सिर्फ बता रहा हूं जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। और वो जो पैसे वाले से तुमने शादी की ना, उसे फंसा के धोखा देके, उसे मैं सब कुछ बता दूंगा, कहीं की नहीं रहोगी तुम। सब मर्द तुम्हारी तरह नहीं होते, जिनकी सोच घटिया हो तुम्हारी तरह। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम भूली नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है। मैं कुछ नहीं भूली।
और तुम्हें भी नहीं भूलने दूंगी। ठीक है तो चलते हैं, क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना तो सबके सामने सच्चाई लेके आ सकता हूँ मैं। ले आओ सबके सामने सच। मैं भी तो देखूं कितने बहादुर हो तुम। और जिस बात से तुम मुझे डरा रहे हो ना, तो गजनवी सब जानते हैं। लेकिन ये सोचो कि अगर मैंने उन्हें ये बता दिया कि वो शख्स तुम हो, तो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे? तुम्हारे सामने मिसेस नौशेरवान गजनवी खड़े हैं। क्या? तुम ऑफिस आ रही थी, बताया क्यों नहीं मुझे? सरप्राइज। अच्छा, यहाँ कैसे? सरफराज से मिलने आई थी। मैं कुछ समझा नहीं। बहनों ही है ना मेरे, फिजा के हस्बैंड। फिजा के हस्बैंड? मुझे भी कल ही पता चला कि ये आपके यहाँ नौकरी करते हैं, तो सोचा आ रही हूँ तो इनसे भी मिल लूँ। ये हमसे मिलना पसंद नहीं करते ना। चलो रूम में चलते। रूम में नहीं, मैं यहाँ बैठे नहीं आए, लंच करने आए। चलो लंच में चलते। चले फोन।